आज कुछ स्पेशल है क्या है आप सब लोगों के लिए जो मैं आप साथ में काफी कुछ साथ में लेके आए हैं तो 40 किलो मेरे घर में दोबारा से कंस्ट्रक्शन हो रहा है गाइस। आप कारपेंटर के साथ आए हैं और पूरा घर उलट पुलट कर दोगे। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप सब लोगों की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। ये है मेरा न्यू लुक। आई हैव नो आइडिया मैं कैसी लग रही हूँ। नाइस, आई थॉट कि चलो नया कुछ ट्राई कर लेते हैं। जब कोई लाइफ में चीज़ें प्लान नहीं होती है ना, तब कुछ अचानक से कुछ अलग सा अजीब सा हो जाता है। जैसे मेरे साथ, मैं गई थी नॉर्मल चीज़ के लिए, हेयर कट के लिए तो गई नहीं थी बट हेयर कट करा लिया, सिर्फ अपना हेयर टचअप के लिए गई थी। बट एनी वेज गाइज, मैंने दिन की शुरुआत कर ली है। मैंने पी लिया है अपना हॉट वाटर एक कप और उसे पिए हुए थोड़ा सा टाइम हो गया है। अब मैं हो जाती हूँ फ्रेश। अब तैयार व्यार होने के बाद मैं बनाती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। एंड ब्रेकफास्ट बनाने के बाद चलिए जब ब्रेकफास्ट पर बैठेंगे तब हम बातें करेंगे बाकी की। चलिए गाइज, यहाँ हेच बन रही है मेरी ब्रेड। टर्न दिस, ओ ओ ओ, नहीं तो बर्न हो जाएगी। सो दिस इज रेडी टू, एग्स आर रेडी और ये मैं अब करने वाली हूँ ऑल मिक्स। ऑफ कोर्स नॉट लाइक दिस। गाइज मैं हो गई हूँ तैयार। ये मेरा फनी हेयर स्टाइल और आज सबसे पहले मैं सोच रही हूँ बिकॉज आज मुझे बहुत काम है, सो आई विल फिनिश माय जिम फर्स्ट एंड उसके बाद एक दो इम्पॉर्टेंट काम है जो मेरे पर्सनल काम है। ऑफकोर्स काम से रिलेटेड वो तो मैं शूट नहीं करूँगी। एंड या बट मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा लास्ट डे ऑफ दिस ब्रेकफास्ट। थैंक गॉड। ये है मेरा अगेन, दिस इज अंडा भुर्जी, ब्राउन ब्रेड एंड दिस वन इज रागी ब्रेड। सो गाइज मैं थोड़ी सी क्रेजी हूँ, अलग अलग तरह की ब्रेड्स ट्राई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी नॉर्मल ब्रेड, कभी कभी ब्राउन ब्रेड, कभी कभी रागी ब्रेड, कभी कभी प्रोटीन ब्रेड। सो आई एम लिटिल क्रेजी इन दैट वे। आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट ब्रेड्स। सो हियर आई एम विद माय, ये है मेरी आलमंड कॉफी। आई लव इट, लव इट, लव इट, लव इट, लव इट। आई विल फिनिश माय ब्रेकफास्ट और उसके बाद मैं निकलती हूँ सीधा घर पे। घर जाने के बाद आई विल, नो नो, आई विल गो टू जिम, नो नो, आई विल गो होम। नहीं नहीं, ओ गॉड आई एम सो कंफ्यूज। सो लेट मी जस्ट फिनिश माई ब्रेकफास्ट। ये आखिरी दिन है मेरा इस मील का। कल से होगी नई मील की शुरुआत, वो मैं आपको बताने वाली हूँ कल मैं क्या खाने वाली हूँ। One hour later. So guys, I finished one meeting at home only. And चलिए अभी निकलती हूँ घर की तरफ। कीज मेरे पास है, बाप रे। चलिए मैं आपको अब सीधा घर मिलने वाली हूँ गाइज। नो मोर बकवास इन बिटवीन। और ये मेरा पार्सल पता नहीं कब खुलेगा, मैं आपको खोल के दिखाने वाली हूँ जब आई गेट टाइम। ऑल राइट, सो गाइज आई एम इन द जिम राइट नाउ एंड आई विल फिनिश फटाफट अपनी एक्सरसाइज एंड सीधा मैं पहुँच रही हूँ घर। और घर क्यों जा रही हूँ आई विल टेल यू। आज कुछ स्पेशल है क्या है आप सब लोगों के लिए जो मैं ऑफकोर्स कर रही हूँ, बट आई थॉट आई विल शो यू व्हाट आई एम डूइंग अपने घर पे। A few moments later. So guys, मैं घर पहुंच गई हूं और तैयार हो गई हूं और अब मैं बताने वाली हूं सुबह से जिस सीजन के बारे में बात कर रही हूं। मैं घर आ गई हूं और आज होने वाला है मेरे घर का वास्तु और मेरे साथ हैं गीतांजलि जी। Hi. Hi. How are you? Hi, I'm good. How are you? बहुत बहुत बढ़िया। जिसके बारे में बहुत सारे मैंने डिस्कशन किए क्यों क्या कैसे, तो आज मैं आप लोगों के सामने कि ये वास्तु हम क्यों करते हैं आप ये बताइए कि क्या होता है वास्तु से और किन लोग, जो लोग, मैं, मेरे लिए फर्स्ट टाइम है ऑनेस्टली स्पीकिंग। और मैंने जैसे बोला कि आपका आप इतने अच्छे हो अपने काम में, अपने वास्तु में, तो आप ये सब करते हो तो किस हिसाब से करते हो? और मैं ये करवा रही हूँ तो आप यू कन्विंस मी कि एग्जैक्टली सब लोग यही जानना चाहते हैं, कन्विंस मी कि ऐसा क्यों, मतलब क्या चीज़ है जो लाइफ में इफेक्ट डालती है, तो क्या है ये वास्तु और क्यों हमें करना चाहिए? तो देखिए, वास्तु अगर हम जहाँ रहते हैं, यानी कि ये इस जगह है जहाँ आप रह रहे हो, आपकी फैमिली रह रही है, तो अब हमारे पास जो आजकल बॉम्बे में या कहीं पे भी हम सिटीज़ में रहते हैं, या आजकल आप कोई भी घर देख लो, कोई भी घर वास्तु अनुकूलित नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं। अगर डोर कहीं होना चाहिए तो वो कहीं और होता है, किचन कहीं होना चाहिए वो कहीं और होता है, बाथरूम WC हमने घर के अंदर ले ली है, तो बिकॉज हमने बाथरूम WC घर के अंदर ले ली है, तो उससे क्या हो जाता है कि हमें
राहु केतु का प्रभाव पड़ने लगता है. कभी कभी वेस्ट का डोर होता है, जैसे आपका डोर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डोर है, शनि का दरवाजा है. शनि का दरवाजा, शनि का आपको भी पता है कि हर चीज में रुकावटें लाता है, परेशानी करता है, कि वो कोई भी चीज आसानी से देता है, स्ट्रगल्स देता है. कोई भी अगर आपको यहाँ मुकाम पे पहुंचना है तो कहीं ना कहीं 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 बाधाएं आती रहेंगी. तो वो सारी चीजों को हम बिना तोड़फोड़, मेन चीज हमारे वास्तु का है कि हम बिना तोड़फोड़ आपको सारा का सारा वास्तु का पूरा चेंजेस करके देंगे. कि सपोज अगर ये वेस्ट का डोर है भी, तो जो भी उसकी नेगेटिविटी है वो हमारे जो वास्तु का सामान है उससे हम पूरे की नेगेटिविटी हटा के उसको पॉजिटिव करके देंगे, ताकि आपको उसकी जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं आपकी लाइफ में, आपकी ग्रोथ में, आपके काम में, आपकी हेल्थ में, क्योंकि हर जन व्यक्ति चाहता है खुश रहे, हेल्थ अच्छी रहे, उस सब के अंदर वो आपको चेंजेस ऑटोमेटिकली नजर आएंगे. आपने जब वास्तु पे आपने इन्वेस्ट किया या आपने वास्तु करवाया अपने घर का, तो आप ये देखोगे कि जो आप विश मांगते हो, आप एक विश मांगोगे कि मुझे ये विश चाहिए, तो वो आपकी विश मैनिफेस्ट होती है. पैसे आते हैं, ग्रोथ, मतलब आप जैसे बोलो ना, सपोज आपके पास काम आ रहा है, मुझे काम की जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत काम आ रहा है, तो वो अगर काम 5 times बढ़ जाए तो किसी को भी अच्छा ही लगता है. तो जब मैंने ये, इसलिए मैंने ये, जब मुझे खुद को वास्तु पे, ऐसे आपने बोला ना कन्विंस मी, वैसे मैं भी कन्विंस नहीं थी जब तक मैंने सीखा नहीं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मैं एक्चुअली आप सब लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि आपको ये, आप मुझे कॉन्फिडेंस देंगे तो ही मुझे चीज़ें समझ में आएंगी, तो ही यहाँ सब बैठे लोग जो वास्तु के बारे में बिलीव नहीं करते हैं, मैं आप ही की तरह न्यू कमर हूँ, तो आप जिस तरीके से गारंटी देते हो, और मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ आप साथ में काफ़ी कुछ साथ में लेके आए हैं. तो गारंटी इसलिए देते हैं क्योंकि पहली बात तो ये कि मैंने वास्तु को सबसे पहले अपने ऊपर आजमाया. आप किसी को भी देने से पहले, किसी भी क्लाइंट, किसी भी व्यक्ति, किसी भी सेलिब्रिटी को देने से पहले मैंने पहले अपने ऊपर इस्तेमाल किया है 2015 से, और मैंने खुद की लाइफ में 1.5 साल तक रिजल्ट देखे. उसके बाद मैंने लोगों को बोलना शुरू किया, मेरे क्लाइंट्स को बोलना शुरू किया, क्योंकि अगर मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ ये कर लो, तो आई एम ऑल्सो टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट्स नॉट जस्ट अ बिजनेस दैट यू आर सेलिंग समथिंग एंड कमिंग आउट, इट्स अ रिलेशनशिप. तो जब मैंने अपने में फ़र्क देखा, मैंने अपनी मम्मी के घर में डाला, उसमें फ़र्क देखा, अपने भाइयों के घर में डाला, ये पूरी फैमिली के बाद मैंने लोगों को, एंड हम मैंने देखा कि जो ग्रोथ जो हमारे लाइफ में भी स्टैग्नेंसी थी, जो मेरे लाइफ में भी स्टैग्नेंसी थी, मैं इतनी अच्छी थी बट मुझे क्लाइंट्स इतने नहीं थे इतने लोग मेरे पास नहीं आते थे, लोग जानते नहीं थे. तो आई हैव सीन अ बिग ग्रोथ, यू नो, फ्रॉम 2015 टू 2023 हो गया है, 8 साल हो गया मुझे वास्तु करते हुए. तो मैंने बहुत ग्रोथ दिखी, और जो मैंने अपने घर में 1 BHK घर में किया था वो वास्तु आज तक भी वैसा का वैसा ही है, इंटैक्ट है. ओह नाइस. ऐसे भी यही पूछने वाली थी क्या इसका कितना आपको फायदा हुआ है, मुझे बताइए कि आपने कितना, एक घर से दूसरे घर पे आए, नहीं आए तो आपने बोल दिया कि मैं दूसरे घर पे आया. मैंने पहले पहली बार जब अपना 1 BHK घर में किया था ना, तो मैंने देखा था मुझे 3 BHK घर चाहिए. ओह नाइस. मैंने सिर्फ एक ही विश डाल दी थी और कुछ नहीं डाला था. ओके. और 2015 में मैंने किया, उसके बाद 2016 माय सन स्टार्टेड ट्रैवलिंग अब्रॉड फॉर स्पोर्ट्स, एंड देन हमने 2018 में ही घर बुक कर दिया. इसका कोई नुकसान, मैं सब नुकसान तो नहीं होता ना, नहीं, बल्कि जो नुकसान होने वाला है उसका आपको बेनिफिट होगा, वो आपका जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी. तो मैंने कोई भी किसी को आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि नुकसान हुआ. अब जो आपको चाहिए वो मिलता है. अगर जैसे अगर आपको परेशानी है कोई, वो परेशानी चली जाएगी, मतलब उसका हल मिल जाएगा. चले जाने का मतलब है कि आपको हल मिल जाएगा. तो नुकसान मैंने वास्तु से, मैंने खुद की अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं है, मेरे क्लाइंट्स की ज़िंदगी में देखा नहीं है. मैंने बहुत जगह वास्तु करती हूँ, मतलब US में करती हूँ, UK में करती हूँ, मैंने दुबई में किया है, ऑस्ट्रेलिया में करते. सो इट्स नॉट जस्ट, यू नो, हम बॉम्बे में करते हैं, हम ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड करते. ऑल ओवर वर्ल्ड. हाँ, मेरी क्लाइंट है, मैं नाम भी ले सकती हूँ, दीप्ति रेड्डी. तो उनका मैंने वास्तु किया था 2020 में. बाई 2022 शी हैज़ 2 houses. लवली लवली. एंड सो गारंटी के साथ मैंने कहा था आप आगे बढ़ोगे. तो अगली बार जब हम मिलेंगे 1.5 साल 2 साल बाद, डेफिनेटली मुझे नहीं पता आप क्या विश डाल रहे हैं, लेकिन घर तो जरूर आ जाएगा. लवली लवली. वन मोर हाउस. चलो ठीक है, बस ये कॉन्फिडेंस, एक्चुअली हर चीज़ होती है पॉजिटिविटी शुरू, तो यहाँ हुई पॉजिटिविटी से शुरुआत. और चलिए आपको दिखाती रहूँगी क्या क्या चीज़ें हो रही है, और पूछती रहूँगी, मुझे क्यूरियोसिटी बहुत हो रही है, बिकॉज मुझे हर चीज़ के बारे में जानना है. आती हूँ, आप काफ़ी सारा सामान लेके आई हैं, ये भी है, ये पहले इनके बारे में बताइए जो है. अभी देखिए, ये जो आपके तीनों जो हैं, ये जाएंगे मंदिर के पास. ओके. मंदिर को एनर्जाइज करें. तो ये मैं देख रही हूँ महामृत्युंजय जाप. हाँ, महामृत्युंजय है. आपकी लाइफ में अगर बीमारी है, कोई परेशान है, आप नहीं चाहते हो कि आपको हेल्थ के कोई इश्यूज आए, तो हम ये हमेशा
महामृत्युंजय का जो मंत्र है, उसका यंत्र है, आपको देते हैं, आपको सिर्फ अगरबत्ती एक बार दिखाना है दिन में, दैट्स इट। बेसिकली आप ऊपर वाले को याद करें, जब भी दिन में उठे तो गाइज ये तो फैक्ट है, तो ऊपर वाले को याद नहीं करोगे तब तक कोई काम अच्छा होता ही नहीं है। और इसमें अगर आप देखोगे ना, अराउंड 14 यंत्र है, 14 छोटे छोटे यंत्रों का सेट है। अब इसका सब अलग अलग है, जैसे हम बोलते हैं ना काली चौदस का यंत्र है, महामृत्युंजय का भी इसमें यंत्र है, इसमें आपका वास्तुदेव यंत्र है। तो ये सारे यंत्र बेसिकली आपका व्यापार बढ़ाने के लिए, आपको लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए, ये 14 यंत्र का सेट है। और फिर हमारे पास एक ये है, अगर आप देखें तो भी आपके घर में वास्तु दोष है, जैसे सपोज जैसे मैंने अभी क्या कहा था कि शनि का दरवाजा खराब है, तो जो भी वास्तु दोष है उसको नाशक ही यंत्र है, तो हम तोड़ नहीं रहे, जो भी उसकी नेगेटिविटी है ये यंत्र से हम उसको जीरो कर रहे हैं। तो जीरो करेंगे, बस आपको सिर्फ एक अगरबत्ती लगानी है और कुछ नहीं। अगर आप देखेंगे 5, 1, 4 ये सारे के सारे ऑर्गेनिकली सब कुछ उनके प्लेसमेंट्स हुए हैं ताकि आपका घर का वास्तु बैलेंस हो जाए। बहुत सारे लोग लेके आए हैं साथ में बहुत सारा सामान, ये क्या है ये सब बेसिकली? अभी क्रिस्टल्स, अगर आप देखेंगे कार्नेलियन क्रिस्टल्स है, ये साउथ ईस्ट में जाएगा, ये हमारे पास सिट्रीन क्रिस्टल है, ये हमारे पास हम नॉर्थ में डालेंगे, तो ये सॉरी साउथ ईस्ट में डालेंगे। एवरी डायरेक्शन हैज अ क्रिस्टल, ओके, तो ये सारे क्रिस्टल्स आपके साथ जाएंगे, जैसे ये रोज क्वार्ट्ज है, ठीक है, ये हम नॉर्थ में प्लेस करेंगे, तो ये अलग अलग डायरेक्शन में क्या हैवी है, दे 5 kgs पर एक्सेस, तो करीबन हम 40 किलो लेकर आए थे। 40 किलो, मेरे घर में दोबारा से कंस्ट्रक्शन हो रहा है गाइस। बट मेरी गारंटी है आपको 6 to 8 months में आप खुद ही मुझे बोलोगे कि लाइफ में बहुत ग्रोथ आएगी। बस यही लाइन को बार बार रिपीट करूंगी मैं। अगर लाइफ में ग्रोथ आएगी ना तो आपको यहाँ पे आके बोलना पड़ेगा, यू याद रखना, आई प्रॉमिस। ये अब सब लोग, अरे मैं क्या, जितने भी व्यूवर्स हैं सब लोग बोलेंगे यार प्लीज 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 ये हुआ क्या, इम्प्रूवमेंट आया, वो खुद ही बोलने लगी, अरे देखो देखो वो हुआ था, वीडियो का टाइटल ही डाल देंगे, लाइफ में ग्रोथ चाहिए। मैं खुद भी है ना, जब मुझे बोला था ना तो मैंने उसको बोला इतना पैसा कौन डालेगा, नहीं डालना है, मैंने समझा। अभी ऐसे अभी आपका ये ब्रह्म स्थान है, आप ये पूछोगे क्या है, ऑफकोर्स ये क्या है बेसिकली, पिरामिड्स है, बट अभी आप देखोगे इसमें 9 pyramids हैं। ये आपका जो घर का सेंटर पॉइंट होता है ना, जैसे आपका यहाँ पे है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें जो दो भी दोष हैं, बिकॉज इट हैज टू बी ओपन। अब हमारे पास ये घर हमारे ओपन नहीं होते, पहले देखिए ना होते थे ना ओपन, ऐसे घर होते थे तो बीच में ओपन होते थे, हमारे पास आप ऐसे घर नहीं है, तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए हमने 9p रखा है। आपकी जो विश होगी वो इस 9p में जाएगी, फोटोज के साथ, तो आपके सारे फोटोज विश सब इसमें जाएंगे, ताकि ये हमें हेल्प करे आपकी जो विश है, जो आप मनोकामना चाहते हैं, जब आप कुछ बोलना चाहते हैं वो सारा का सारा मैनिफेस्ट करें। सो कहते हैं कि आउट ऑफ 100% कितना परसेंट वास्तु काम करता है, बाकी सी एक तो गॉड से ऊपर तो कुछ नहीं है, कुछ हिज प्लान इज हिज प्लान, बट व्हाट काइंड ऑफ आपकी क्या परसेंटेज रहती है आउट ऑफ 100% की, इतना तो होता ही होता है, देखिए या फिर 100% देखिए 85-90% हम वास्तु को बैलेंस कर सकते हैं किसी भी घर का। अब आपकी लाइफ में वास्तु 35-40% इफेक्ट करता है, जब आप खराब वास्तु में रहते हो तो वो 35-40% आपके पास नहीं रहता है, ये वास्तु से वो 35-40% आपके लाइफ में और आ जाएगा, और आपको ग्रोथ, मैं बोल रही ना ग्रोथ मुझे 100% मिली है। आई एम काउंटिंग 8 to 9 months, 8 to 9 months क्या, 6 to 8 months में आपको ग्रोथ मिलेगी। आपका नॉर्थ वेस्ट है ना तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट होता है तो विद इन 3 months। मैं आपको मेरा केस आज बताती हूँ, मैंने खुद में जो आप आए थे जिस ऑफिस में वो मैंने रेंटल लिया था 2020 में, आज 2023 में है, हम आई एम बाइंग अनदर ऑफिस, तो या और मैंने सिर्फ एक ही डाला था कि यहाँ से मुझे ऑफिस आई मोन बाय, तो सिर्फ ये डालने का, वास्तु डालो ना सारे तो पैसे भर दूंगी मैं सब के विषय से। सो प्लीज अंडरस्टैंड, 1 to 2 विश मैनिफेस्ट होती है, तो दो इम्पोर्टेंट विशेज हैं वो ही डालूंगा। एक तो लैंड की विश डालिए, क्योंकि जब आप वास्तु में डालते हो तो लैंड मिलता है, मजबूती, फ्लैट्स मिलते हैं, मकान मिलते हैं, लैंड्स मिलती हैं, तो एक तो वो डालिए, फिर एक जो आपको पर्सनल आपकी खुद की विश हो, इमोशनल विश है, वो आप डालिए। सुपर, समझिए 9 triangles में 2 wishes डालनी है, इसमें हम आपको 3-4 आपके बेड पे भी जाएगी विश। अच्छा, बेड एनर्जी सेट्स होते हैं, जब आप जिस बेड पे सो रहे हो ना उसको भी एनर्जाइज करती जाएंगे, ताकि आप जो रात को सोए आप माइंड पीसफुल नींद आए, एकदम बेड एनर्जी सेट भी। बेसिकली मैम यहाँ पे आके पहले सब कुछ चेक करके गए थे, मैं आपको बता दूँ, एक विजिट लगती है, एक विजिट के बाद फिर दूसरी विजिट में आप सब कुछ तैयार करके सामान लाते, तो आज जो सामान आप देख रहे हैं उससे पहले पूरे
मैप लिया था आपने पूरे घर का, तो उसमें 3 घंटे लगे थे गाइस, 3 से 4 घंटा उस मैप को लिया गया। उस मैप को लेने के बाद उसमें बैठ के डिस्कशन किया गया कि ये ऐसे है वैसे। तो ये है मैप, वो मैप आज भी लेके आए हैं, जिस मैप को बनाने में 3 से 3.5 घंटे लगे हैं गाइस, इट्स नॉट ईजी। और आज भी मुझे लग रहा है इतना ही टाइम इसको सेट करने में जाएगा कि इतना सारा सामान आया है। तो अब बताइए इसके बारे में। तो सबसे पहले तो ये मंदिर गलत जगह पे था, तो हमने मंदिर शिफ्टिंग करना ही पड़ा। बहुत ही सुंदर मंदिर बना है, लेकिन साउथ वेस्ट में होने की वजह से हर चीज नेगेटिव हो रही है, कुछ ना कुछ होना, मिसहैप्स होना। आप सोचो कि यार ये हो रहा था, क्या हो गया। तो ये मंदिर हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, आप प्लीज, ये बहुत जरूरी है। मंदिर एक घर में बराबर जगह होना चाहिए। अगेन, इसका कोई हार्म तो नहीं है? नहीं, हार्म नहीं है। सो बार बार मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सबको तसल्ली होनी बहुत जरूरी है। जैसे मैं जब ये बात करके बार बार खुद को तसल्ली दे रही हूँ कि आई एम डूइंग इट, आई एम डिपेंडिंग ऑन यू, यू आर डूइंग इट फुल फेथ। नहीं, आप फेथ के साथ कीजिए, फेथ के साथ। थॉट गलत नहीं होना चाहिए आप लोग के मन में, मेन ये है कि आप लोग के मन में। सो बेसिकली पॉजिटिव थिंक करिए, भूल जाइए, एंड जितना अपने घर में आप ऊपर वाले को याद करें, अपनी एनर्जीज बढ़ाएं इस तरफ, एंड हैव फेथ, विश्वास में तो सब कुछ है। और देखिए, अभी जैसे अभी हमने आपको ये राहु केतु, ये साउथ वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट आपके घर का मजबूत रहेगा, तो स्टेबिलिटी आएगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, है ना। तो ये आपको सही दिया है, तो अब ये हम यहाँ पे लगा के जाएंगे, ये पिरामिड लगाएंगे, ये एनहांसर, साउथ वेस्ट एनहांसर, और ये हमारे क्रिस्टल्स हैं, ये पूरे के पूरे ऐसे आपको एक डायरेक्शंस में अलग अलग मिलेंगे। तो आज जो अमेजिंगली 3-4 घंटे का काम हुआ है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से हुआ है। मुझे लगा था मेरे घर में आप कारपेंटर के साथ आए हैं और पूरा घर उलट पुलट कर दोगे। बहुत ही शांति से चीज़ें सेट कर दी गई हैं बिना किसी चीज़ को तोड़े हुए। थैंक यू सो मच। नेल्स भी देखिए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और इतना कितना सामान लेके आए थे आप, मैं बैग देख के ऐसे हो गई थी, हैं ये क्या है। 40 kgs तो सिर्फ क्रिस्टल्स थे, एंड बाकी सारा मिला के अराउंड 75-80 kg सामान था। ओ माय गॉड, 80 किलो सामान मेरे घर में कहाँ सेट हुआ है मुझे पता नहीं, बट टचवुड। ये मैंने आपको यूजुअली सब लोग इतना डिटेल में दिखाते नहीं है, मैंने स्पेसिफिकली देखिए, मैं यूट्यूब भी शुरू किया है सिर्फ इसलिए कि आपको किसी तरह की हेल्प हो पाए मेरे थ्रू, तो इससे बड़ी अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। सो हर रोज़ मैं बोलती हूँ कि मैं ये नहीं देखती हूँ कि मुझे कितने फॉलोअर्स चाहिए, मुझे ये चाहिए जितने आप लोग हैं ना, उन सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ मेरे थ्रू अच्छा होना चाहिए। सो अगर ये हो रहा है तो ये मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। सो इसलिए मैंने आपको एक एक चीज डिटेल में दिखाई है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या किया है, एंड थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच युविका, एंड थैंक यू, थैंक यू। आई होप आपको फायदा हो, मेरा बस वही है कि आपको फायदा हो। आप जल्दी बताइए, आपके जो विशेज हैं, आपके जिस तरीके से आपने मुझे बताया जो चीज कर रहे हैं, ये फायदा डेफिनेटली होगा। सो गाइज, ये था मेरा आज का दिन ब्लॉग आप लोगों के सामने। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी क्योंकि ये वीडियो ही मैंने इतना बड़ा बना लिया है। आई जस्ट वांट टू से आई लव यू ऑल, प्लीज डू कमेंट एंड शेयर योर व्यूज, आपको कैसा लगा, क्या क्या चीजें आपने फील की, आप अपनी लाइफ में क्या फील करते हैं। तो भूलना मत, कल के ब्लॉग में वेट कर रही हूँ मैं आपके कमेंट्स का। लव यू ऑल, आई विल सी यू टुमारो, एंड कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल, कीप लविंग मी, बाय बाय। Yeah. There's a war going on inside, just to name a couple, I battle with porn and pride, and the persistent struggle of